मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोर अबाउट विजुअल बेसिक 2010। ये लास्ट चैप्टर में हमने विजुअल बेसिक के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट मोर अबाउट विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस। सो हाउ टू ऐड इमेज इन अ फॉर्म, हाउ टू ऐड शेप इन अ फॉर्म, ऑपरेशन इन विजुअल बेसिक, रेडियो बटन, डुवाइल स्टेटमेंट, सेलेक्ट केस स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, वेरिएबल इन विजुअल बेसिक, चेक बॉक्स कंट्रोल एंड फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू ऐड इमेज इन अ फॉर्म। यू कैन यूज द इमेज कंट्रोल फॉर एडिंग ग्राफिक और पिक्चर इन योर फॉर्म। व्हेन दिस कंट्रोल गेट्स ऐड इन द फॉर्म, देन नो इमेज कैन डिस्प्ले इन द फॉर्म। You can view a blank rectangular boundary which can be used as the area to be covered by the image. In order to add an image in this control, you can use the picture property. अब हम क्या करेंगे, हमारा विजुअल बेसिक हमने ऑन कर लिया, यानी कि हम विजुअल बेसिक में हमने एंटर कर लिया, देन आपकी जो विंडो है वो अपीयर हो जाती है। सो टॉप राइट कॉर्नर ऑफ पिक्चर बॉक्स एंड ड्रैग द कंट्रोल ऑन द फॉर्म बाय ड्रैगिंग इट। तो आपकी जो है, आप देख रहे हो विंडो, अपने बुक ओपन करके देखो। नेक्स्ट जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पेन ओपन है वो है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में आप क्या है, सेलेक्ट पिक्चर बॉक्स टूल एंड आपकी जो स्क्रीन है उसमें पेज अपीयर हो रहा है। फॉलो दिस स्टेप्स फॉर एडिंग एन इमेज टू अ फॉर्म। क्लिक ऑन द एरो बटन लोकेटेड एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द picture box. Now you can select the size mode from the picture box task. अब क्या करोगे, आप picture box task पे आप size जो है वो define करेंगे। The picture box task context menu as shown in the picture given on the right. After you have selected the size of the picture, select choose image from the context menu. The select resource dialog box will be displayed. Select the project resource file video button, click on the import button and select the image. You will observe that the selected image gets displayed in the preview box at the right pane as shown in the picture. Click on OK to insert picture on the form. Okay, so आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम कहाँ जाएंगे, पहले पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन आप जो है अपनी पिक्चर बॉक्स टास्क में जो है आप साइज मोड क्या रखोगे, नॉर्मल रखोगे एंड फिर आपको सेलेक्ट रिसोर्स करना है इमेज को चूज करते हुए। फिर प्रोजेक्ट रिसोर्स पर जाना है, फाइल रेडियो बटन पर क्लिक करना है ऑन द इंपोर्ट बटन एंड फिर आपकी जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी। ओके, हाउ टू ऐड शेप इन अ फॉर्म। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हम शेप है वो फॉर्म में हम कैसे ऐड करेंगे। सो यू कैन यूज द शेप कंट्रोल फॉर एडिंग वेरियस शेप सच एज सर्कल, स्केल, रेक्टेंगल, ओवल एक्सेट्रा इन अ फॉर्म। गिवन बिलो आर द की प्रॉपर्टीज यूज इन शेप कंट्रोल। सो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास नेम है, फिल कलर है एंड फिल स्टाइल है। ऑप्शन है फिल कलर, फिल स्टाइल एंड नेम। नेम क्या कहेगा, इट रेफर टू द शेप व्हाइल राइटिंग द कोड। जब आप कोड को राइट करेंगे तो ये उस चीज को रेफर करेगा। कलर, इट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द शेप। इट सेलेक्ट द फिल स्टाइल फॉर द शेप सच एज सॉलिड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एटसेट्रा। आप स्टाइल जो है वो कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल,
ओके जो भी आप चाहते हैं. वी शैल नाउ लर्न हाउ टू राइट अ प्रोग्राम फॉर द ट्रैफिक लाइट पैटर्न. यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू चेंज द कलर ऑफ शेप एंड राइट द रिलेटेड टेक्स्ट. ओके लेट्स बिगिन बाय ओपनिंग अ न्यू प्रोजेक्ट एड ऑविल शेप कंट्रोल इन द फॉर्म एंड सेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. फिल कलर ट्रांसपेरेंट एंड फिल स्टाइल सॉलिड. रेड येलो एंड ग्रीन आप क्या है वन बाय वन करके एक एक पे क्लिक करेंगे तो आप चेंजेस जो है वो देखेंगे. वेरिएबल इन विजुअल बेसिक. Variable is a name given to a store area that your program can manipulate. Each variable has a unique name that you can use to identify it in the program. Each variable also contains an associated data type such as string, integer, etc. To specify the type of data that is to be stored, the dim statement is used for variable declaration and storage in visual basic. Syntax kya rahega? Dim variable name as data type. For example, if you take the dim radius as integer, it will create a variable name radius to store integer value. Ab hum isme baat karenge data type hamara kya kya rahega. Integer, string, फोन करा दिया नंबर की बता मुझे.
इंटीजर स्ट्रिंग ठीक है सो यू कैन यूज इट फॉर स्टोरिंग इंटीजर वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम जितनी आप डिजिट देना चाहते हो आप दे सकते हो चाहे उसमें कितनी हो थ्री फोर सिक्स
रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में याद रखनी है।
ठीक है, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू में आपका सिंबल बनेगा इस तरीके से, ये है आपका नॉट इक्वल टू। ओके, सो दिस ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द नंबर आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट आपका लॉजिकल ऑपरेटर, द फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर यूज फॉर मिक्सिंग टू और मोर कंडीशन एंड शो द रिजल्ट अकॉर्डिंग, यानी कि और एंड देन और नॉट एंड, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं। और फाइंडिंग वेदर एनी ऑफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू और नॉट एंड गिवन ट्रू इज रिजल्ट इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि दो स्टेटमेंट होंगी आपके पास, दोनों में से जो ट्रू रहेगी और लगा के आप उसको डिफाइन करेंगे। एंड फॉर फाइंडिंग वेदर बोथ द कंडीशन आर ट्रू और नॉट एंड गिव ट्रू आर एज रिजल्ट ऑनली इफ बोथ द कंडीशन आर ट्रू। ओके, अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगी तो एंड में आपको वो भी नोट करना है। नॉट इट गिव्स ट्रू इफ नॉट नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं रहेगी। सो ये थे आपके ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स थ्री टाइप्स के होते हैं, अर्थमैटिक, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, 10th क्लास, हाउ टू ऐड इमेज इन फॉर्म, हाउ टू ऐड शेप इन अ फॉर्म, वेरिएबल इन विजुअल बेसिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।